हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों ने लेसन नंबर 3 का पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पहला पार्ट, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी जो ब्याज है, मतलब ईयर के लास्ट में जो ब्याज मिलता है वो रुपये में मिलता हो, ठीक है ना। और ये हमारा उसका सेकेंड पार्ट है, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्याज है हमेशा किस में मिलेगा, रेशियो में, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी हमेशा बनता है। तो ब्याज किस में, रेशियो में गिवन है, अनुपात। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा बेसिक मेथड अप्लाई करना, हमेशा बेसिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेशियो में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, रेशियो में। देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, कि 1900 की एक राशि है जिसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 8% पे 2 वर्ष के लिए, अब यहाँ पे टाइम भी आ गया, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए। और दूसरे भाग को 4% की साधारण ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात, अब यहाँ पे रेशियो है एक्चुअल में, वहाँ पे हमारा इससे जो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे ब्याज हमें रुपये में दिया गया था, तो हम लोगों ने 3 मेथड उसके सीखे थे। लेकिन यहाँ पर रेशियो है, जब भी क्वेश्चन रेशियो में आए तो हमेशा बेसिक मेथड अप्लाई करना है। बेसिक मेथड कौन सा, इक्वेशन वाला, ठीक है ना, इक्वेशन बना के। तो देखो, हमसे दोनों राशि पूछी है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा अप्लाई करना है, बेसिक मेथड, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग परसेंट निकाल लेते हैं ना एलोकेशन निकालने के लिए। जैसे ब्याज दे रखा था 1200 और नीचे जो भी मूलधन दे रखा था हमें टोटल 10,000, तो हम लोग ये निकाल लेते थे कितना, 8.8% या 12%, ठीक नहीं। यहाँ पे रेशियो है, अब हम लोग रेशियो में कैसे निकाल सकते हैं, इस वजह से हमें इसका बेसिक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक मेथड तो हमेशा याद रहना चाहिए। अब देखो क्या है, हमारे टोटल राशि कितनी है, 1900। तो देखो पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है ना, पहले भाग को कितने पे दिया, 8%, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। दूसरे भाग को 4%, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब क्या गिवन है हमें, देखो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों ब्याज, मतलब जो दोनों भागों से ना प्राप्त ब्याज का अनुपात, मतलब अलग अलग ब्याज प्राप्त हुआ है, मतलब इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, उनका अनुपात कितना है, 16:7, मतलब पहला तो 16 हो गया और दूसरा 7, ऐसे मान लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ऐसे निकालते हैं, अलग अलग ऐसे निकालते हैं इक्वेशन। तो देखो मतलब पहला भाग हम लोग क्या क्या मान लेते हैं, x, और दूसरा कितना मान लेते हैं, y, ठीक है ना। हमें राशि पहली कितनी मान ली, x मान ली, और दूसरी y मान ली, ठीक है ना। आप देखो इसका ऐसा ही निकालो, वही PRD फॉर्मूले, ठीक है ना, x इंटू 8% इंटू 2, और ये कितना है, y इंटू 4% इंटू 3। तो ये हमारा इसका एस आई 1 आ गया और ये हमारा एस आई 2 आ गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमें मतलब रेशियो में गिवन दे रखी है। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे इनकी वैल्यू पुट कर दो। एस आई 1 की वैल्यू कितनी है, x इंटू 8% इंटू 2 अपॉन में कितना, एस आई 2, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एस आई 2 की वैल्यू कितनी है, वाई इंटू 4% इंटू 3। इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, 16:7, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन परसेंट से परसेंट कटेगा, 482, ठीक है, 16:7। तो देखो x अपॉन y का एक वैल्यू आ गई, कितना, 12:7, मतलब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7, ये यूनिट में ही है। अब देखो एक और क्या है, ये हमारा पहला भाग आ गया x और ये y, 12 और 7। अब अप्लाई क्या करना है हमें, यूनिटी मेथड। देखो टोटल दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 19, ठीक है ना, ये हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं यूनिटी मेथड अप्लाई करना। अब देखो क्वेश्चन में इन दोनों भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल कितना दे रखा है, 1900,
दोनों का टोटल ही तो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का टोटल ही तो लिखा है 19, तो इस 19 की वैल्यू कितनी है 1900। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 19 का भाग दे दो, ठीक है कितना 100। तो हमें वैल्यू कितनी निकालनी है, एक तो पहला भाग कितना हमारा 12, ये तो है हमारा पहला भाग और सेकंड भाग, तो पहला भाग निकालेंगे कितना हो गया 1200, और दूसरा भाग कितना है 7, तो 7 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ गया 700। तो देखो दोनों का टोटल भी 1900, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब भी मतलब जो लास्ट में जो ब्याज मिलता है ना हमें वो अनुपात में दे रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा बेसिक मेथड अप्लाई करना है। एलिगेशन लगाएंगे तो उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो बेसिक मेथड हमेशा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उससे आंसर परफेक्ट आएगा, मतलब ठीक आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था इसका, मतलब जब भी ब्याज हमें रेशियो में प्राप्त हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे वाले लेसन में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे है, फिनिश है। बाकी इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ये खाली हम लोग सीखने के लिए किया है हम लोगों ने कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वाले लेसन में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।